इस वक्त एक बड़ी खबर यूपी के मेरठ से आ रही है। मेरठ में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन 12 मरीजों में 4 जवान पीएससी के भी शामिल हैं। दरअसल आपको बता दें, मेरठ में कोरोना वायरस का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 12 नए मामले सामने आने के बाद यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 274 पहुंच गई, जबकि एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मेरठ में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक व्यक्ति की मौत के बाद यह आंकड़ा 15 पहुंच गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरठ से हमारे सहयोगी विकास कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास, मेरठ में कोरोना की क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मेरठ में कोरोना वायरस का लगातार कहर बढ़ता जा रहा है, वही मेरठ में बुधवार को 12 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके चलते मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 274 पहुंच गया है, जिसमें कि कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या सुबह तक 15 थी, अभी अभी मिली जानकारी के साथ मरने वालों का आंकड़ा 17 तक पहुंच गया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें 12 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 4 पीएससी के जवान भी शामिल हैं। वहीं इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। मेरठ में बढ़ते कोरोना वायरस के कहर को देख जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने मेरठ में आज गुरुवार के दिन संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। वहीं गाइडलाइन भी जारी की गई, जैसे संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान केवल दूध की दुकानें और मेडिकल स्टोर को खोलने की ही रहेगी अनुमति। अन्य दुकानें जैसे सब्जी प्रोविजन स्टोर पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जी शुक्रिया विकास, हमें तमाम खबर पर जानकारी देने के लिए। आप खबरों पर लगातार नजरें बनाए रखिए। इस वक्त एक बड़ी खबर, यूपी के मेरठ में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं।